नमस्कार, सुरेश मिनास प्रदेश मंत्री अखिल। नमस्ते, मुकेश मिनास स्टेट सेकेटरी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जम्मू कश्मीर। आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा प्रदर्शन इस विषय को लेकर रखा गया है। जिस प्रकार से 19 जनवरी को तमिलनाडु के एक सेक्रेड हाई स्कूल के अंदर घटना होती है, जहां एक 17 वर्ष की बच्ची को जो है जबरन उसको हरास करके हिंदू से क्रिश्चियन बनने पर मजबूर किया जाता है। जब उस स्कूल के अंदर दीपावली की छुट्टियां आती हैं तो उस छुट्टियों के दौरान उस बहन को इतना वर्कलोड दिया जाता है कि वो जो बहन है वो हरास होती है। और वहां का यह प्रशासन यह कहता है कि यदि आपको इस वर्कलोड से बचना होगा तो आपको हिंदू से क्रिश्चियन कन्वर्ट करना होना होगा। वो बहन जो है उस पूरे जो है प्रकरण के बाद जो है हरास होकर जो है वो सुसाइड करती है। और उसके बाद जो तमिलनाडु सरकार की जो भूमिका आती है वो अपने आप में एक प्रश्न चिन्ह लगाती है कि इस पूरी घटना के बाद तमिलनाडु सरकार ने अभी तक कोई ऐसी कार्रवाई नहीं की कि उस परिवार को इंसाफ मिले। आज देश के अंदर हम देखते हैं कि इस प्रकार की घटनाएं आए दिन आ रही हैं, चाहे वो रेप केसेस हों, चाहे वो कन्वर्जन के केसेस हों। बहनें हमारी कब तक ऐसी सहती रहेंगी? आज विद्यार्थी परिषद मीडिया के माध्यम से यह मांग करती है कि देश के अंदर जो है एंटी कन्वर्जन लॉ भारत की सरकार को इम्प्लीमेंट करना चाहिए, और तमिलनाडु सरकार जो उन लोगों को बचाने का काम करे उनको बचाने का काम ना करे, और जो भी लोग उस घटना के अंदर कल्प्रिट है उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। नहीं चलेगा।